सीधा तस्वीरें दिखाते हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर जमकर हंगामा चल रहा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज फिर से बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ लगातार बीजेपी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। कल भी आपने देखा किस तरीके से माफी नीतीश कुमार की तरफ से मांगी गई अपने बयान को लेकर, लेकिन माफी लेने को तैयार नहीं है बीजेपी और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने बयान दिया था, जिसके बाद चौतरफा घिरे हुए नजर आए। उसके बाद कल उन्होंने अपने बयान को लेकर सदन के बाहर और अंदर दोनों में माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नहीं मान रही है और इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। हालांकि बिहार विधानसभा का आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक जो नया दांव नीतीश कुमार की तरफ से खेला गया है आरक्षण के दावे को लेकर, अब ऐसे में देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले जमकर हंगामे की तस्वीरें बीजेपी की तरफ से, ये हंगामा किया जा रहा है बिहार विधानसभा में। जो बयान नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, हालांकि नीतीश कुमार ने माफी मांगी उस पर, लेकिन उसके बावजूद ये विवाद नहीं थम रहा है और बिहार विधानसभा में बीजेपी जमकर हंगामा कर रही है। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा के लिहाज से, लेकिन इस बीच हंगामे की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक बिल आज जो है वो सदन में पेश होगा, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है सियासी तौर पर भी इस पूरे मुद्दे को। लेकिन नीतीश कुमार का जो बयान है उसको लेकर जिस तरीके से भाजपा सियासी तौर पर उसको भुराने की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से लगातार हंगामे की तस्वीरें बिहार विधानसभा से सामने आ रही हैं, बीते कल भी हंगामे की तस्वीरें सामने आई और आज भी देखिए जब सदन की शुरुआत हुई तो किस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा रहा है। बिहार में कोल्ड स्टोर को बढ़ावा मिले। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मात। पक्की खबर, सच्ची बात, एक घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।